आयशा मंदिर का इलाका है। इतनी शदीद बदबू है इन कचरे की वजह से, पूरा एरिया जो है ना ये कचरों की नजर है, कचरों का ढेर बन गया है, खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी शदीद बदबू है, सांस नहीं आ रही इस बदबू की वजह से। बोल बोल के थक गए कि इसका कुछ कर लो, कोई एक्शन ही नहीं लेता। आते भी उठाने फिर लोग कचरा डाल देते, हम लोग परेशान है बदबू से, कचरे से। ये तो कोरोना से ज्यादा बड़ी बीमारी है ये कचरे वाली ना। सियासत हो रही, तबाह कर रहे हैं कराची। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ, मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ कचरे के बिल्कुल सामने, जी हाँ ये आयशा मंजिल का इलाका है और यहाँ पर इतनी शदीद बदबू है इन कचरे की वजह से। ये कोई कचरा खाना नहीं है, यहाँ पर कचरा खाना बना दिया गया है, कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका है और ये पूरा एरिया जो है ना ये कचरों की नज़र है, कचरों का ढेर बन गया है। और बकरीद के बाद जो हमने देखा कि जो ईद क़ुरबा है उसकी कुर्बानी हुई जानवरों की, और आलाइशें भी यहाँ फेंकी हुई हैं। यहाँ के इलाका मकिन बहुत परेशान है। मुकदमा न्यूज़ को यहाँ पर कॉल मौसूल हुई और यहाँ के जो मार्केट वाले हैं उनकी जानिब से हमें रब्ता किया गया, क्योंकि जिस तरह से मैं खड़ी हूँ उससे खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी शदीद बदबू है, सांस नहीं आ रही इस बदबू की वजह से। इलाका मकीन और दुकानदार क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। ये मुझे बताएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत कचरा है और हम देखते हुए आ रहे हैं, हर गली हर मोहल्ले में कचरा खाना बना दिया गया, हर जगह कचरा है, लाइशें भी पड़ी हुई है मैंने देखा। बहुत ज़्यादा है, ये तो ईद से पहले का कचरा है, ये मैंने ईद बड़ी मैंने बकरी ईद से पहले की कचरा यहाँ पर है। कोई उठाने वाला नहीं आता है, कोई नहीं आता है, वैसे ही पड़ा रहता है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक एक महीने का भी कचरा यहाँ पड़ा रहता है, इससे ज़्यादा है। सिंध हुकूमत की फेलियर है, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है, बिल्कुल वैसी मुराद साहब जो है ना वैसी कहते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। बहुत कचरा है, ये तो इतनी बदबू है कि खड़ा नहीं हो जा रहा। तो आप लोगों की शॉप है, हम लोगों की तो शॉप है, हमसे कस्टमर इतनी रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन हम किससे रिक्वेस्ट करें ये समझ में नहीं आता। बोल बोल के थक गए कि इसका कुछ कर लो, कुछ कर लो, कोई ब्लाग लगा दो, उसकी सेपरेट जगह बना दो, मसला नहीं है, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता क्या। अच्छा ये कचरा कब, मैं तो देख रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एक गोल बन गया है, इसके अंदर अब कचरा जा रहा है, तो ये कचरा अब लेट हो गई है इस काम के लिए। ये काम आप अगर हफ्तों को आगे देखते हैं, हफ्तों को ये बीच में बड़ा हुआ था। तो ये सफाई कुछ नहीं होती यहाँ पर, कुछ भी होती है मतलब अपनी मर्जी से होती है, कब होगी किस टाइम होगी ये नहीं पता। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे आयशा मंजिल में कचरों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ तो मुझे तो लगता है ये कई महीनों का कचरा है। ये कचरा भी ख़त्म हो गया, अभी आप दो तीन दिन पहले आती ना ये आधा रोड तकरीबन घिरा हुआ था रोड से ही कचरे से, ये तो अभी बहुत कम हो गया कचरा। यहाँ पे चलने की जगह नहीं थी, गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से निकल लेती, ये तो अभी शायद कल सुबह उठा कचरा, ये तो अभी बहुत बेहतर हालत है। ये आप इसको बेहतर समझते हैं कि नाक नहीं ठहरी जा रही, इतनी गंदी बदबू है यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये बहुत बेहतर है, ये तो फुल भरा हुआ होता है कचरा, ये दो तीन दिन पहले बहुत ज्यादा कचरा था। आप लोगों ने इंतजामिया को यहाँ पर बताया कि यहाँ कचरों का ढेर अंबार है यहाँ पर? अरे बहुत ज्यादा कम्प्लेन किए, कोई सुनने वाला नहीं है, जगह जगह कम्प्लेन किए। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मैं बताया जब ईद से बाद में आज तक खाने का मूड नहीं हुआ, आज पहली दफा यहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे खड़ा रहा, यहाँ से इतनी बदबू थी गाड़ी कोई भी अंदर नहीं आ सके थी। इन लोगों ने दुकान आज खोला यहाँ का सेट वालों ने, और यहाँ पूरी ये रोड भरी हुई थी, दो दिन से गाड़ी नहीं उठाया, अभी तक भी बदबू आ रही है, यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते। ये लेडीज लोग आ रहा है, ये वहाँ से घूम के आ रहा है, यहाँ से नहीं आ सकते। अच्छा सिर्फ यही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है पूरे कराची में तो खैर कचरों का अंबार है, मगर मसला ये कि आवाम भी जो है ना वो फेंक देती है कचरा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तो रिहायशी इलाका है, मार्केट है पूरी आयशा मंजिल की। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के दुकानदार हैं?
मैं ऊपर फ्लैटों में रहता हूँ। आप रिहायशी हैं यहाँ पर, मुझे बताएं आप लोग रह किस तरह, इतनी गंदी शदीद बदबू यहाँ पर। बहुत गंदे की हम लोग खुद मेहमानों को नहीं बुला पाते, सोना अजाब है। एक तो यहाँ जब भी देखो यहाँ कचरा पड़ा रहता है, लोग आते भी उठाने फिर लोग कचरा डाल देते हैं, कोई वो नहीं है यहाँ पे। एमसी की जानिब से गाड़ियाँ आती हैं, मुझे तो नहीं लगता आ रही है, जिस तरह से हाल है। महीने में एक दो दफ़ा आती हैं वरना नहीं आती वो भी। किससे बोलना चाहते हो? ये तो हम हुकूमत से ही बोलेंगे कि साफ़ करवाएं ताकि लोग सकून से तो रहें इस बहाने। वैसे एक बीमारी चल रही है कोरोना की, अब ये गंदगी अलग और हो गई है। सर आप रिहायशी हैं, हम देख रहे हैं कि हमने पूरा सर्वे किया है और हर जगह कचरा मौजूद है, सिर्फ यही नहीं है गलियों में भी कचरा बहुत ज़्यादा है। मैम यहाँ के रिहायशी खुद ख़राब हैं, रोज़ाना सफाई होती है, हर दो दिन छोड़ गए यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये हाल होता है। सबसे ज़्यादा ये अगवानी जितने भी है ना मैम, कोई भी परेशान हाल नहीं है। ये देखें यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, ये मार्केट का इंटरेस्ट है, कोई परेशान हाल नहीं है यहाँ पे। बस ये साफ होता है? ये होता है मैम, बिल्कुल होता है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, कोई यहाँ पर इंतजामिया मौजूद नहीं, कोई आती नहीं है यहाँ पर। मैम इंतजामिया भी कब तक बोलेगी, रात बेरात फेंक जाते हैं ये लोग। तो जिस तरह से ये हम सर्वे कर रहे हैं इलाके का और हर जगह तो कचरा मौजूद है, मगर ये सिर्फ सामने ही नहीं है कचरा, आप जिस तरह से देख रहे हैं ये मेन मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर भी कचरा मौजूद है। रोना सिर्फ यही है कि सिर्फ कचरा खाना जो बना दिया गया वहीं कचरा नहीं है, रोड पर दुकान के सामने भी है, मार्केट में पूरा कचरा मौजूद है। हम दुकानदार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सिर्फ सामने ही नहीं कचरा, यहाँ तो हम देख रहे हैं दुकान के सामने भी कचरा है, किसकी जिम्मेदारी, कौन डाल रहा है ये कचरा? ये सारे कचरा कुंडी पे इलाके से आके सारा कचरा जमा हो जाता है, खत्म नहीं होती कचरा कुंडी। हम लोगों ने बहुत कंप्लेन करी, बहुत कहा, लेकिन खत्म नहीं होती कचरा कुंडी। हम लोग परेशान है बदबू से, कचरे से, बहुत परेशान। ग्राहक आते हैं दुकान, बोलते हैं, बोलते हैं हमसे कोई कचरे के अंदर कैसे बैठा आप, हमारी मजबूरी है बैठना जो है इधर, ये मसला है। आपको कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ये कचरा जो है जी। देखिए वज़ीर आला साहब, आपने लॉकडाउन का नफाज कर दिया और आपने जो है कहा कि कोरोना ख़तरनाक है, मगर जिस तरह से सिचुएशन है ना आपके लिए, तो ये सिर्फ एक छोटा सा इलाका और छोटे से इलाके में कचरा खाना है, मगर ये जो रिहायशी हैं वो कई कई हज़ार हैं और ये बेचारे अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चे इनके, इससे ताफुन फैल रहा है, बीमारी फैल रही है। ये मजाक, कोरोना तो ठीक है हम मानते हैं वो सीरियस है, मगर ये कोई मजाक थोड़ी है, रिहायशी हैं। बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कोरोना से मरेंगे या कचरे से मरेंगे? भाई कचरे से मरेंगे, यहाँ तो कल सफाई हुई है, इतना कचरा था, और मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही रह रहा हूँ, हम तो गैलरी खोल नहीं सकते, कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकते, बहुत ज़्यादा जो है ना बदबू, स्मेल, और इतना फैल जाता है कि वहाँ अगर रोज़ गाड़ियाँ आएंगी तो इस तरह फैलेगा नहीं। सर हम तो, मैं तो, अभी तो आप देखें ना, आप खड़ी नहीं, मैं नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। आप देखें स्मेल कितनी है अभी। वज़ीर आला साहब, उन्होंने लॉकडाउन का निफाज किया है, मुझे हंसी आ रही है, वाकई में हंसी आ रही है। कोरोना से तो हम बच जाएंगे, मगर हम शायद कचरे से ना बचें। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? बहुत स्मेल है, उनको यही चाहिए कि भाई डेली गाड़ियाँ वाड़ियाँ भेजें और एहतियात करें, ये तो कोरोना से ज़्यादा बड़ी बीमारी है ये कचरे वाली ना, तो थोड़ी सी एहतियात करें इस चीज़ को। थैंक यू सिस्टर, यही कहेंगे कि इसके बारे में कुछ करें, और क्या करेंगे। वज़ीर आला सिंह से, इस वक्त तो बल्दियाती नुमाइंदे हैं नहीं, उन्हीं से करेंगे अपील। बल्दियाती नुमाइंदे नहीं, हमने देखा कि 2018 में इलेक्शन ही नहीं हुए बल्दियात के। आपको आपको लगता है, आप समझते हैं एक शहरी, कराची के शहरी होकर, इतना बड़ा शहर है, बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में, उनमें बल्दियात निज़ाम इतना मजबूत है, क्योंकि छोटे मसाइल हैं और ये मसाइल जो है ये छोटे मसाइल से बड़े मसाइल बन चुके हैं, अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे हमारे साथ रहते हैं, हम उन तक नहीं पहुँच सकते, एम एन एम पी ए तक हम नहीं पहुँच सकते, ये बल्दियाती नुमाइंदे हमारी गली में रह रहे होते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, फिर वो ताउन करते हैं हमारे साथ, एक आवाज़ पर आ जाते हैं हमारे। हो नहीं रहे बल्दियाती निज़ाम का ना होना, इलेक्शन का ना होना, किसकी जिम्मेदारी है, क्या सियासी नज़र हो गई है, ये सियासत हो रही है यहाँ? बिल्कुल सियासत हो रही है, डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है सिनों को, बिल्कुल तबाह कर रहे हैं कराची को। तो जिस तरह से आपने अहले मोहल्ला, अहले इलाका और दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी, यकीनन ये सिंध हुकूमत की नाकामी का बोलता सबूत है। सिर्फ ये एक छोटा सा एरिया और ये एक कचरा खाना का हाल हमने दिखाया, मगर ये पूरा शहर कराची कचरों का ढेर बना दिया गया है, कचरों के अंबार लगे हैं कराची की हर गली, हर मोहल्ले में। बल्दियाती निज़ाम का ना होना सिंध हुकूमत की नाअहली है, और हम समझते हैं कि बल्दियात के इलेक्शन होने चाहिए, और जिस तरह से आवाम की गुफ्तगू सुनी,
वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि आवाम की रसाई MNA MPA तक नहीं है, वुजरा तक नहीं है। हम भी मुकदमा न्यूज़ से हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हाईलाइट करें चीज़ें जो इससे आवाम परेशान है। और आज मुकदमा न्यूज़ सफाई के हवाले से आपको कराची का हाल दिखा रहा है, और मैं वज़ीर आला हुसैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से, और सूबाई वज़रा से ये अपील करेंगे कि खुदारा कराची जो कचरों का ढेर बना दिया गया है, कराची में कचरों के अंबार हैं, उसके लिए काम किया जाए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो हमारे शो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये आयशा मंजिल का इलाका है, इतनी शदीद बदबू है इन कचरे की वजह से, पूरा एरिया जो है ना ये कचरों की नज़र है, कचरों का ढेर बन गया है, खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी शदीद बदबू है, सांस नहीं आ रही इस बदबू की वजह से। बोल बोल के थक गए कि इसका कुछ कर लो कुछ कर लो, कोई एक्शन ही नहीं लेता। आते भी उठाने फिर लोग कचरा डाल देते, हम लोग परेशान है बदबू से कचरे से। ये तो कोरोना से ज्यादा बड़ी बीमारी है ये कचरे वाली ना। सियासत हो रही है, तबाह कर रहे हैं कराची।